Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, आज हम लोग तीनों भाई बहन जो हैं, वो अकेले हैं. Yeah! और मम्मी पापा कहीं काम से बाहर गए हैं. तो आज हम लोग क्या क्या चीज करेंगे, कितनी मस्ती करेंगे, वो सब आपको इस वीडियो में दिखाने वाले. तो लास्ट तक बने रहिए. और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से. So guys, आप लोग का आज का सुबह का प्लान था पोहा. तो हम लोग ने पोहा खा लिया. उसके बाद फिर दोपहर में हम लोग का प्लान था कि हम लोग एक करी बनाएंगे, बट एक करी एकदम नहीं बनाए. तो क्या नाचोगे? एक करी उसको नहीं कह सकते, पता नहीं क्या ही बन गया मेरे से. तो आपको दिखाती हूँ. फिर ये बना है एक करी. ये एक करी बिल्कुल नहीं है गाइस, सूखा सब्जी हो गया एकदम. वो हमारा एक कभी तो बन गया है जो कि एकदम सूख गया है, मतलब सब्जी टाइप एकदम नहीं हुआ है, सूखा हुआ है. आई थिंक टेस्ट उसका सही ही होगा, अभी टेस्ट मैंने नहीं किया. तो अभी जा रही हूँ आटा सानने के लिए. आटा सान के रोटी बनाई. इतना आटा ले लिया है, आई थिंक 2-3 आदमी के लिए, मेरे लिए, दी के लिए एंड मेरे भाई के लिए. तो इतना था, ठीक है. चलिए हम लोग सानते हैं. ज़्यादा टाइम नहीं लगता आटा मिक्स करने में, बट आई थिंक दोनों हाथ से करने में सबसे ज़्यादा. तो गाइस, दीदी रोटी बनाने जा रही है. वाह दीदी, वाह दीदी. और पता है रोटी बनाने में लाइक सबसे बड़ा कंप्लेंट यही होता है कि गोल रोटी नहीं बनता है. तो मतलब स्टार्टिंग में अगर आप रोटी बनाएंगे ना, तो आटा सानना चलिए आप लोगों को आगे आटा सानना वो सही है, रोटी गोल नहीं बन पाता है. बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है. मतलब ऐसे कई लोगों का होता है, कोई भारत का नक्शा बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा. गोल रोटी एकदम परफेक्ट नहीं बनता है. तो आपको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमेशा रोटी बनाने का. ऐसा नहीं होगा कि मतलब आज बनाए फिर सीधे 15-20 दिन बाद बनाए, वैसे नहीं. बस डेली आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा उसको. तो किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए और कंटिन्यूटी चाहिए. तो वो वर्क करती है. अभी दीदी रोटी बनाएंगी और हम लोग खाएंगे खाना. तो गाइस, यहाँ पे ना सनलाइट आ रहा है, बहुत ही अच्छा मतलब वीडियो बनता है, रील शूट होता है सनलाइट में. ये देखिए. ओह यार, यार ये कितनी ऑसम है यार. सो गाइस, यहाँ पे दी रोटी बनाई है और दी का मतलब पूरा गोल नहीं बट बेटर है गाइस, बेटर. क्या चाहिए आपको? वीडियो में बोलने के लिए है ही नहीं. वीडियो में ना ऐसा है गाइस, मेरा भाई वीडियो में एकदम नहीं बोलता, एकदम नहीं बोलता है. और उसको किसी चीज का जरूरत है अभी नहीं है. उसको किसी चीज का जरूरत है अभी और वो एकदम नहीं बोल रहा. लाइक हम कैमरा लाए और उसका बत्ती ब्यूटीफुल. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गाइस ये ब्लॉग बहुत फनी होने वाला है. मैं एडिट कर रही थी तो उस टाइम इतना 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 ज्यादा हंस रही थी ना मैं. तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा. जो लोग भी न्यू हैं जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, वो लोग प्लीज प्लीज जितना ज़्यादा हो सके इस ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, या फिर कोई भी कंटेंट है मेरा उस ब्लॉग को शेयर कीजिएगा. अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, बिकॉज
अभी मतलब मेरा 185 सब्सक्राइबर हो गया, 200 होने वाला है. सो आई नीड मोर डेडिकेशन कि मैं और अच्छा और बेटर इम्प्रूव कर पाऊँ ब्लॉगिंग में. फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. बाय बाय.